नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाला और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने तमाम लोग खड़े हैं। आपको बता दें कि तिगाम की एक घटना है, कल की एक घटना है जहां एक बारात जा रही थी और उस बारात में देसी कट्टे से फायरिंग होती है जिसमें एक लड़की के पैर में गोली लग जाती है। क्या है पूरा मामला वो जानेंगे, परिवार वाले हमारे साथ हैं। क्या नाम? जगदीश, मेरा नाम जगदीश जी। क्या हुआ था एक बार बताएं। ऐसा जी, गुड़चढ़ी हो रही थी शाम 7:30 बजे करीब। अच्छा। तो मंदिर तक जाते जाते में 8 बज गए, नाच कूच के जाती है बारात चढ़ती है, जब गुड़चढ़ी होती है तो टाइम तो लगता ही है जी। तो उस मंदिर पे जाके तो नाच कूद रहे थे, उसने आके वहाँ पे नाच रहा था, उस पर नकली पैसे बरसा रहा था। कौन सा गाँव? ये गाँव तिगाम, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। बारात किसकी जा रही है? वाल्मीकि में जा रही थी, अपने पड़ोस में से जी जी। तो वहाँ पे उन्होंने जाके उसने गोली फायर करके और गोली नीचे से ऐसे करके गोली पैर में मार दी लड़की के में। अच्छा। सोनिया के? सोनिया, हाँ जी। तो मेरी बड़ी छोटी लड़की ने वो पकड़ा भी है, जो छोटा के भाग गया। अच्छा। धक्का मार के फिर एक और ने पकड़ा, वो दूसरे ने तो उसने पकड़ लिया, तो पकड़ने के बाद में उसने उसके कान पे वो रख दिया कट्टा, नहीं तो तू छोड़ दे, नहीं तुझे गोली से मार दूंगा। अच्छा। हाँ जी। तो वो मतलब बारात में नाच रहे थे, सब लोग ये नाच रहे थे बारात देख रहे थे। पता नहीं कहाँ से आया, उसको कोई निमंत्रण नहीं कुछ नहीं, वो कहाँ से आया? ये जो लोग हाँ बारात गुड़चढ़ी थी तो उसमें गुड़चढ़ी में शामिल हो रहे थे। हाँ, वैसे आया, वो कहीं से आया होगा, वो कहीं से आया, पहले पैसे लुटाने लगा। हाँ। और उसके बाद उस कट्टा क्या उसके पास था? देसी कट्टा, दूसरे ने दिया था, हीरा ने दिया था उसे कट्टा। अच्छा। और जिसने चलाया, गोली चलाई है बाबू ने, बाप का नाम है सुहास गुजर नागर। तो वो मतलब हवाबाजी के चक्कर में? हाँ जी, हाँ जी। तो वो गोली नीचे चला दी, ऊपर चलाने की बजाय? ऊपर नहीं चलाई, उसने पैर में मारी है, लड़की के पैर में लगी है, दाहिने पैर में। तो कल से ही फिर कल से ही हम तो हाँ जी हॉस्पिटल में हैं। कल पहले हम डुग्गल में गए, डुग्गल के बाद में उनने बीके को रेफर किया, हम बीके नहीं लेके फिर एस्कॉर्ट लेके, एस्कॉर्ट से हम यहाँ लाए। अब क्या है, कुछ कोई सुधार है? अभी तो नहीं है, शाम को ऑपरेशन है, देखो क्या होता है। हाँ जी। तो फिर वहाँ कंप्लेंट की थी हमने, FIR कर रखी है, कर दिया। तो उसमें क्या हुआ, पुलिस की क्या कार्रवाई हुई? पुलिस ने उसका बड़ा लड़का उठा लिया और उसका पिताजी उठा लिया रात रात को ही। और वो दोनों थे हीरा और हीरा सुबह उठाया 8 बजे, और जो बाबू है वो भागा हुआ फरार है, वो बाबू नहीं मिला। हाँ जी, जिसने गोली चलाई है वो फरार है अभी। हीरा मिल गया, हीरे को उठा लिया, जिसके जिसके पास कट्टा था। हाँ जी, देसी कट्टा। हाँ, देसी कट्टा हो, वो पकड़ लिया। हाँ जी, मतलब अवैध हथियार था। हाँ जी, अवैध है, 6 महीने तक सजा नहीं है इस पे, वो कोई जमानत नहीं है, और 307 को केस है, तो मर्डर केस कर रहा। बिल्कुल सर, गोली कहीं भी थोड़ा सा इधर उधर अगर हो जाए, हो सकती है वो सिर में लग जाती, कहीं और लग जाती, दिल पे लग जाती, जान भी जा सके। तो मौत एक, उसने तो जान पूछ के गोली चलाई है, हमारी कोई रंजिश नहीं, किसी से लड़ाई नहीं, झगड़ो नहीं, हम किसी से बात नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं। इससे पहले तो कभी कुछ नहीं जी, हमारे कोई नहीं हुई किसी से आज तक भी, कोई नहीं जी। तो आप भी थे क्या? हाँ जी, मैं मौजूद ही, लड़की इनके साथ ही थी। अच्छा। तो बारात की जो चढ़त है रही थी उसके लड़की इनके मैं साथ ही, के चलो बीबी मैं तुम्हारे संग चल रही हूँ, मैं गैल ले आऊंगी तुम्हें। अब हमें वो हमारे साथ साथ ही बराबर चल रहे थे, हमने कही इनकी ये बालकन थे, हम मैं बालकन माँ हूँ, मैं जाऊंगी लड़की इनको इधर कर लूंगी मैं अपने साइड में। अब वो कोई पता नहीं जी उसने क्या सोची क्या नहीं सोची, और उन्होंने तुरंत ही लड़की कही मेरी कही गोली चलाई उसने, हमारी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है कैसी भी। और उनके घर गई, पता लगी, हम लड़की को लेकर भागे, थाने भी गए, थाने से फिर हम डुग्गल आए, डुग्गल थे फिर दूसरी अस्पताल आए, फिर तीसरी आए, उनके घर गई थी मैं, उन्हें कह दी कि भाग जाए यहाँ से, मेरे हाथ में यहाँ उसकी कोई पड़ोस में थे जन उसकी मम्मी, वहाँ ने मेरा धक्का मारा, यहाँ नहीं है, मेरे लड़का ने नहीं मारी। अच्छा। हाँ जी, उनके लड़का ने नहीं मारी, मैंने कि तेरे लड़का ने मारी है, तुम तो मेरी लड़की देख भी नहीं रहे, कहने लगे कि भाग जाए यहाँ से। उसका बाप कहने लगा जी मैं वो पे हाथ जुड़वा लो, कोई बात ना, हाथ जुड़वा लो, मैं तुम्हारी हाथ जोड़, तुम हाथ जोड़ रहे हो, जोड़ रहे हो, मेरी बालक तो तुम्हारे लड़का ने मार के गए, तुम देख भी नहीं रहे अभी तक भी, और अब तक भी जी दूसरा दिन होगा, शाम होने को आ रही है, अभी तक कोई नहीं आया उनके घर से, किसी ने भी नहीं देखे मेरे बालक, मैं 3 अस्पताल बता। आप उनके घर कहने गए तो मतलब उल्टा आप कोई? हाँ जी, धमकी दे रहे हैं वो भाग जाए यहाँ से, और धक्का मारो मुझ में के भाग जाए यहाँ से, यहाँ कोई हमारे कोई बालक नहीं है, और मौजूद है मेरे साथ में जो लड़का गए थे मेरे पड़ोस को, एक गया था उसके गर्दन पे कट्टा धर दिया उसने, चले जाने तुझे भी मार दूंगा,
वहाँ तो बहुत सारे लोग होंगे, इतने लोग थे बरात जी पूरे। अब हमने तो जी लड़की देखने के चक्कर में लग गए, हम कहाँ लेकर भग लिए जी गेला गेल गई में कहने के लिए उसने अपना लड़का अंदर बंद कर दिया, जैसे गोली लगी बस भाग गए। हाँ जी भाग गए जी। तो वो जो जिस कट्टे से चले कट्टा मिल गया, उन्हों को ही पता है जी वो किंग के भगे लेकर किंग के कुना भगे, उन्हें ही पता। जिसने दिया था वो पकड़ा गया। हाँ जी जिसने दिया वो पकड़ा गया, और जिसने चलाई वो नहीं पकड़ा, वो नहीं पकड़ा अभी। तो आप क्या चाहते हैं, अब क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहें जी, अब क्या कहेंगे, हमारा बच्ची अब तक भी नहीं देखी उन्होंने, अब क्या कहें हम तो बहुत गरीब आदमी है। पुलिस से क्या चाहते हैं कि न्याय मिले, जो भी है उसे सजा मिले जो। हाँ जी न्याय को काम है जी, उन्हें कोई अच्छा थोड़ी करो हमारे साथ, हमारे कोई लड़ाई झगड़ो नहीं हो, हमारी बच्ची की कोई 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 परेशानी कोई हल करने वाले के तौर पर कोई नहीं आया हमारे। क्या नाम लड़की? सुनीता। लड़की को सोनिया, मेरा सुनीता। तो सोनिया की उम्र कितनी? 18-19 साल। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से 18 साल की एक लड़की सोनिया, जो कल बारात जा रही थी, घुड़चढ़ी हो रही थी, उस घुड़चढ़ी में सब शामिल होने गए, जहां पर किसी ने फायरिंग कर दी, गोली चला दी और वो उसके पैर में लग गई। और अभी वो यहां आप देख रहे हैं, ये शंकर मेडिकल केयर सेंटर है सेक्टर 28 में, जहां एडमिट है, और परिवार पूरा परिवार यहां पर मौजूद है। और पुलिस ने अभी जिसने कट्टा दिया था उसको पकड़ लिया, बाकी जिसने चलाई थी गोली वो फरार है। आगे इसमें क्या कार्रवाई होती है वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।